ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। किशनगंज सीएस कार्यालय के बाहर खड़ी ये एएनएम स्कूल की छात्राएं हैं जिन्होंने कल रात से खाना नहीं खाया है और सीएस से अपनी दुख बताने और मामले की शिकायत करने पहुंची है। सर, हम लोग को ठीक से खाना नहीं मिलता है, दो दिन से भूखे पड़े हैं, लेकिन कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। हम तो प्रिंसिपल मैम को भी बोले, वार्डन मैम को भी बोले, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो हम सीएस ऑफिस आए हैं, सीएस सर से हमको आदेश चाहिए कि अच्छा खाना मिले। हम लोग को ड्यूटी हम कैसे कर पाएंगे अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा। खाने में क्या कमी आ रही है? खाना में जो है पिल्लू निकला है और निकलते ही रहता है। ये एक बार नहीं कबाते, दो बार हो चुका है मेरे साथ, तीन बार हो चुका है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीएस ऑफिस में कंप्लेंट करके हम अपना खाना सुधार कर सके। और हम लोग का खाना नहीं मिलेगा जब तक, तो हम लोग खाएंगे कैसे, ड्यूटी कैसे करेंगे। एएनएम स्कूल के दूसरे वर्ष बैच का छात्रा का कहना है कि बीती रात एएनएम स्कूल के हॉस्टल के मेंस में खाने में कीड़ा भी निकला और लगातार कई दिनों से घटिया खाना मिल रहा था। लगातार घटिया खाना की शिकायत स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और वार्डन की भी की जाती थी। उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और इनकी शिकायत का अनदेखा लगातार करते चले आ रहे हैं लोग। एएनएम प्रबंधक ने जब इसकी बात नहीं सुनी तो आज सुबह बिना कुछ खाए फिर मामले की शिकायत लेकर वह सिविल सर्जन कार्यालय पहुंच गई और घटिया खाने की शिकायत कर रही है। एएनएम के स्कूल के मेंस में खाना सरकारी स्तर पर नहीं बनता बल्कि एक रसोईया वहां खाना बनाता है। एएनएम छात्राओं को कोरोना महामारी के दौर में अस्पताल में ड्यूटी भी करनी पड़ती है और उनको कहना है कि अगर खाना ढंग से नहीं मिलेगा तो ड्यूटी कैसे कर पाएंगे। भूखे पेट काम करना असंभव दिखता है। आक्रोशित एएनएम स्कूल की छात्राओं से सीएस डॉक्टर श्रीनंदन ने उनकी शिकायत सुनी और स्कूल की प्रिंसिपल और खाना बनाने वाले को अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे भी मामले की पूछताछ की। देखिए, बरसों से रसोईया के द्वारा यहाँ बेहतर खाना बनाया जाता है, किसी तरह की कोई कंप्लेंट तो नहीं था। बरसात का मौसम है, कीड़ा गिरने की शिकायत बच्ची ने बताया है, हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं लेकिन सब तो हो सकता है। लेकिन मेस चलाना इसमें जो है सरकारी तौर पर नहीं चलाया जाता है, वो अपना सेल व्यवस्था के तहत रहता है, सरकार स्टेशन देती है। तो मैंने बताया कि बढ़िया से साफ सुथरा खिलाइए, अगर नहीं खिला सकते हैं तो सेल्फ सिस्टम ये लोग डेवलप करेंगे जिससे कि आपस में एक कमेटी बना करके पैसा उनको दिया जाएगा। सीएस ने सख्त हिदायत दिया है कि आगे से घटिया खाना की शिकायत अगर मिलती है तो आप सभी पर कार्रवाई की जाएगी। एएनएम स्कूल की छात्राओं ने बताया कि हम लोगों को मेंस में ठीक से खाना नहीं खिलाया जाता और घटिया खाने की शिकायत करने पर कोई रिस्पांस भी नहीं मिलता। प्रिंसिपल और वार्डन को भी बोले, कई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सीएस ऑफिस आकर उनको जानकारी दिया गया। उन्होंने बताया कि कई बार खाना में कीड़ा निकला है, इसलिए लोग मजबूर होकर सीएस ऑफिस में कंप्लेन करने आए हैं ताकि खाना अच्छा मिल सके। हम लोग जानते हैं कि अच्छा खाना मिले और खाने में सुधार हो, दाल भी पूरा पतला मिलता है, रात में सब्जी में पिल्लू निकला है, दो दिन यही हो रहा है और दो दिन में कंप्रोमाइज करके हम लोग चल रहे हैं। वही मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनंदन ने बताया कि बरसों से एएनएम स्कूल में मेस के रसोइयों के द्वारा खाना बनाया जाता है और आज तक किसी भी तरह का कोई कंप्लेन नहीं था। एक छात्रा ने खाना में कीड़ा मिलने की शिकायत की है और बरसात का मौसम भी है लेकिन मैंने देखा नहीं है, मेश वहां सरकारी तौर पर नहीं चलता, अपना सेल्फ व्यवस्था के तौर पर चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि मैंने बोला है कि बढ़िया से खाना खिलाया जाए, साफ सुथरा होना चाहिए, सेल्फ सिस्टम डेवलप करेंगे, आपस में कमेटी बनाकर उनको पैसा देंगे और खाना अच्छे ढंग से खिलाएंगे।